नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, फायर ब्रांड नेता, ने एक विवादास्पद बयान दिया ब्यूरोक्रेसी पर और कहा कि ब्यूरोक्रेट तो हमारी चप्पलें उठाते हैं। इस पर विवाद मचा हुआ है और उमा भारती ने एक जिक्र भी किया लालू यादव के बारे में, जब उन्होंने जिक्र किया और बताया कि एक आईएएस अधिकारी उनके आप पिकदान उठाते थे और उमा भारती के सामने ये घटना घटी थी। तो उमा भारती का ये प्रकरण तेजी से जो अब विवाद का विषय बनता चला जा रहा है। इस बीच आपको हम एक और विवादास्पद, बिल्कुल विवादास्पद, जिसको कहा जाए बयान सुनवा रहे हैं। झारखंड के विधायक हैं कांग्रेस के इरफान अंसारी, जिनका एक ऑडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें उनका अंदाज आप सुनेंगे तो आप सिर पीट लेंगे। क्या करेंगे आप वो आप तय कीजिएगा। पहले हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का, वो पूरा प्रकरण भी बताएंगे आपको। आप ऑडियो सुनेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे कि क्या मसला है। तो आप पहले वो ऑडियो सुनिए। इरफान अंसारी जो हैं कांग्रेस के विधायक हैं झारखंड के, वो जामताड़ा से विधायक हैं। तो उनका क्या, किस तरह से वो एसडीओ साहब को ट्रीट कर रहे हैं और आखिरी में जो बातें उन्होंने कही वो बिल्कुल जो है विरोध करने वाली बात है। उसका कड़ा विरोध होना चाहिए। तो हम ये पहले आपको ऑडियो सुनाते हैं। हेलो, गुड वाह, मॉर्निंग मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर गुमला से अमृता भगत बोल रहे, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष। बोलिए बोलिए अमृता जी, बोलिए सर आप लोग से मदद की आवश्यकता है सर। क्या मदद बताइए। यहाँ हम लोग के मुस्लिम भाई ही हैं, उनका दुकान है बहरा दुकान के नाम से फेमस है। तो अभी क्रिसमस को लेके वो लोग पटाखा उटाखा का उनका माल उतरा था, तो घर के बाहर मैंने दुकान के बाहर ही वो लोग रखे थे कि अंदर कर देंगे थोड़ा देर में बोल के। तो एसडीओ साहब को कोई शिकायत कर दिया तो जा करके पकड़ लिया है और सारा माल रख लिया है, थाना में रखवा दिए हैं। और एसडीओ जो है यहाँ के ना किसी का सुनते हैं ना कुछ करते हैं, एकदम क्या मतलब। नंबर है, एजीओ नंबर दीजिए। एसडीओ का नंबर बताइए बोलिए। जी, बता रहे हैं सर, नाम उनका रवि आनंद है और नंबर बता रहे हैं सर। नंबर दीजिए आप। जी, लाइसेंस उनका सब है, पेपर सारा रेडी है, लेकिन वही बदमाशी। आप नंबर दीजिए ना। नंबर बताइए ना। 94311। 94311। हाँ। जी, 0। जीरो 71। 70। एक लाइन पर रहिए आप। कौसर अहमद की क्या नाम है भैया? कौसर अहमद। पटाखा कौन, कंप्लेन कौन किया है? कंप्लेन तो पता नहीं, नहीं पता हमको, वो लोग फोन किए ऐसे सर, तो फिर हम बोले ठीक है हम लाइन करते। पर रहिए, लाइन पर। जी, लग गया। हेलो, हाँ ये एजू साहब बोल रहे हैं। एजू साहब मैं जामताड़ा से डॉक्टर इरफान बोल रहा हूँ, एमएलए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब वो मेरे कोई रिलेटिव है, उनका पटाखा आपने जब्त क्यों कर लिया है? छोटा ये पटाखा विस्फोट का क्या, वो तो पटाखा बेचता है हर जगह, बम थोड़े फोड़ रहा है वो। लाइसेंस है सर, पेपर है उनका, लाइसेंस वगैरह सब है उसका, और सब सामान उसको छोड़ दीजिए आप, मैं बता दे रहा हूँ आपको। उनके यहाँ कोई एक्सपायर किए थे सर, इसलिए वो लोग थोड़ा देर के लिए बाहर रखा हुआ था सामान। वो उसके आदमी मर गया था, पटाखा बाहर रख दिया था, तुरंत जी जाके जब्त कर लीजिएगा। नहीं, आप देख लीजिए एक बार जाके, बढ़िया एक बार बढ़िया से जाके देख लीजिए और छोड़ दीजिए, सब सामान छोड़ दीजिए उसको, मैं बोल रहा हूँ आपको। वो हमको झूठ बोलेगा? नहीं, कौन झूठ बोला नहीं बोला मुझे नहीं मालूम है, मैं जानता हूँ सही आदमी है वो लोग, देख लीजिएगा उसको, सब सामान उसको छोड़ दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है, किसी कोई कंप्लेन करके उठा के चले घर चले जाइएगा। सर हमारे मुस्लिम मुस्लिम भाइयों को बहुत तंग किया जा रहा है। हेलो जी, जो साहब अल्पसंख्यक है ऐसा मतलब आप तंग कीजिएगा क्या, भाजपा का राज है क्या यहाँ? ये तरीका हम नहीं बर्दाश्त करेंगे, सुन लीजिए। मैं अभी सीएम साहब तुमका मैं बता दे रहा हूँ आपको, सब सामान से छोटी छोटा मोटा चीज मत पड़ी आप लोग। किसी भी हम लोग का लड़का लोग को जाके मारपीट कर दिया जा रहा है आप लोग को क्या? ठीक है, बोल दिया अमृता जाओ। जी ठीक है, थैंक यू सर। नाटक का बच्चा जी, सुन लिया आपने। गुमला से
महिला हैं, अमृता भगत, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्होंने फोन लगाया इरफान अंसारी को। इरफान अंसारी विधायक हैं जामताड़ा के, और जामताड़ा के विधायक को उन्होंने बताया कि एक पटाखे वाले को तंग कर रहे हैं एसडीओ साहब, उनका पटाखा जब्त कर लिया है, और पटाखा वाले जो हैं वो अल्पसंख्यक समुदाय से ही है। तो अमृता भगत ने शिकायत की गुमला के जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी से, तो इरफान अंसारी साहब ने कहा एसडीओ साहब को फ़ोन लगाइए, अपने पीए से कहा होगा, तो पीए साहब ने फ़ोन लगाया, और पीए साहब जब फ़ोन लगा के एसडीओ साहब से बात करवाते हैं विधायक जी, तो विधायक जी के तेवर तो आपने सुन लिए, क्या तेवर हैं विधायक जी के। विधायक जी का जो शब्द है, पहले तो वो धमकी भरा है, एसडीओ साहब ब्यूरोक्रेट्स हैं लेकिन किसी के नौकर नहीं है, जिस तरह से बात कर रहे हैं विधायक जी लगता है बिल्कुल अपने नौकर से बात कर रहे हो, और जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पटाखा क्यों जब्त कर लिया, वो मेरा रिलेटिव है, जल्दी से आप ससम्मान छोड़ दीजिए, बता रहा हूँ। उनके शब्द को सुनेंगे आप एक बार, फिर से हम सुनवाएंगे आपको आखिरी में, आप बढ़िया से जाकर देख लीजिए, वो मेरे रिलेटिव हैं, ससम्मान उनको छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ, और मैं नहीं तो इसकी सीएम साहब से शिकायत करूँगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए और भी कुछ कह रहे हैं, ये भी आपको बताएं, वो कह रहे हैं कि कौन झूठ बोल रहा है इससे मुझे मतलब नहीं है, ये अल्पसंख्यक हैं इसलिए इनको तंग मत कीजिए, ये भाजपा की सरकार नहीं है, समझ गए ना, भाजपा का राज नहीं है, मैं सीएम साहब से इसकी शिकायत कर दूंगा, इस तरह से कहते हुए धमका रहे हैं। और आखिरी में जो कुछ कहा वो तो बताने ही लायक नहीं है, गाली का इस्तेमाल किया उन्होंने, फोन रखते रखते गाली का इस्तेमाल किया एसडीओ साहब के लिए, जो बातें कहीं उसको हम सुनवा भी नहीं सकते हैं जो गाली में उन्होंने कहा। तो ये विधायक जी का अंदाज आपने देख लिया, दबंग विधायक हैं, हमेशा विवादों में रहते हैं इरफान अंसारी, और एक बार फिर इस तरह से ऑडियो में जो बातें उनकी कैद हो गई हैं, एसडीओ साहब को गाली देते दिख रहे हैं विधायक महोदय, तो एक बार फिर कैद हो गए हैं। तो अब सीएम साहब सुनेंगे क्या, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन साहब ये ऑडियो सुने, और इरफान अंसारी जो बात कर रहे थे कि आपकी शिकायत कर दूंगा मैं सीएम से, तो अब सीएम साहब से विधायक जी की शिकायत भी तो होनी चाहिए, तो हम ये शिकायत कर रहे हैं सीएम साहब से, सीएम हेमंत सोरेन साहब से, कि आपके विधायक, हालांकि ये कांग्रेस के विधायक हैं जो आपके सहयोगी पार्टी है, ये जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ये उचित नहीं है, सभी का अपना अपना सम्मान है, और उस सम्मान का की रक्षा करना सभी का कर्तव्य भी है, चाहे विधायक हों या फिर अधिकारी। तो हम सीएम हेमंत सोरेन साहब से कहेंगे कि ये ऑडियो सुनिए, और उसके बाद जो उचित कार्रवाई हो वो कीजिए। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे, फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।